जयपुर मार्बल प्रोसेस समिति के अध्यक्ष कपिल सुराना पर बुधवार को सुखेर थाना क्षेत्र के भुआना रोड पर अज्ञात हमलावरों द्वारा किए गए जानलेवा हमले के विरोध में आज लघु उद्योग भारती के बैनर तले व्यापारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष मनोज जोशी ने बताया कि कपिल सुराना हमारे संगठन के सचिव है और इन पर गुंडों ने जानलेवा हमला किया है जिससे वे घायल हो गए और उनका अस्पताल में इलाज जारी। उन्होंने ज्ञापन देकर अपील की है कि इस हमले में शामिल हमलावरों इस हमले के षडयंत्रकर्ताओं को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, अन्यथा लघु उद्योग भारती द्वारा अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर प्रदर्शन किया जाएगा। कब शुरू करना? लघु उद्योग भारती का हमारा संगठन है, हमारे इकाई के सचिव कपिल जी सुराना के ऊपर कल जानलेवा हमला हुआ है। कतिपय गुंडे हैं, उन्होंने हमला किया और षड्यंत्रकारी तरीके से किया, पूरी योजना बना के किया। हमारे प्रशासन से मांग है कि ये हमलावर कौन थे ये जानकारी लाएं और साथ में इसके पीछे कौन है। कपिल जी के ऊपर ऐसे पूर्व में भी औद्योगिक विवाद के अंदर कोई अजा जजा के मुकदमे लगाए, झूठे मुकदमे लगाए, सारे मुकदमे वो जो सामने वाली पार्टी थी वो हारी है। उसके बाद ये कुंठित होकर के इस प्रकार का हमला करें तो ये उद्योग जगत के लिए चिंता का विषय है। बहुत निंदनीय कृत्य किया है उन्होंने और हमारी उद्योग जगत की सबकी ये मांग है कि इस प्रकार के कृत्य करने वालों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करें और साथ में कपिल जी को सुरक्षा प्रदान करें, उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करें। पूर्व में भी उन्होंने अपने लिए हथियार का लाइसेंस मांगा था, सरकार से मांगा जाए ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। प्रशासन तो कमज़ोर है पर व्यक्ति अब क्या करेगा, स्वयं की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो आज उद्योग जगत यहाँ पे एक बार प्रशासन को ज्ञापन देने आया है। ये प्रथम हमारे आंदोलन का ये प्रथम चरण है। प्रशासन अगर कुछ नहीं करेगा तो हम सड़कों पे भी आएंगे, हमारा उद्योग बंद भी करेंगे, हम रैली भी निकालेंगे।